नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी अस्तो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि लास्ट से कुछ वीडियो से मैं आपके दशा के फल क्या रहेंगे वो बता रहा हूं आपको, और वो दशा के फल जो मैं आपको बता रहा हूं वो बृहत पाराशर होरा शास्त्र के हिसाब से हैं, उसके अनुसार हैं कि किस तरीके से सूर्य की दशा, चंद्र की दशा, मंगल की दशा, बुध की दशा के फल कैसे मिलते हैं। और रेगुलरली मैं आपको ये आगे तक पढ़ाता रहूंगा कि सूर्य की दशा का फल मैंने आपको बता दिया है, अब चंद्र की दशा का फल बताऊंगा, मंगल की दशा का फल बताऊंगा, उसके बाद रेगुलर चलते रहेंगे। फिर सूर्य में शनि, फिर सूर्य में सूर्य, फिर सूर्य में मंगल, इस तरीके से हम लोग चलते रहे ताकि दशा के फल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दशा के फल को प्रेडिक्ट करना कि दशा के फल को कैसे प्रेडिक्ट किया जाए, तो वो बहुत जरूरी होता है कि कैसे दशा का फल बताया जाए। ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं प्रेजेंटेशन पे लगा लेता हूँ ताकि वो आपको दशा का फल बता सकूं मैं। चंद्र की महादशा के फल आपको मैं बता रहा हूँ। ऋषि पाराशर से वो बात कर रहे थे मैत्रेय, तो उन्होंने कहा कि हे मैत्रेय, आपने सूर्य की महादशा के फल तो बताए जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताए हैं आपको, अब चंद्र की महादशा के फल भी आप एक बार बता दीजिए कि चंद्रमा की महादशा के फल कैसे रहेंगे। तो ऋषि पाराशर ने कहा कि मैं चंद्र के विंशोत्तरी महादशा के फल को कहता हूँ। तो उन्होंने एक चीज बताई, सबसे इंपॉर्टेंट जो सूर्य के केस में भी बताई थी कि चंद्र यदि उच्च राशि में हो, स्वय राशि में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो या लाभ भाव में हो, ये ध्यान रखिए कि चंद्र अपनी उच्च राशि में हो, स्वय राशि में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो या लाभ भाव में हो, और शुभ ग्रहों से ग्रस्त हो, शुभ ग्रहों से युत हो, साथ में शुभ ग्रह बैठे हों उसके, या शुभ ग्रहों से ग्रस्त हो और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, मतलब चंद्रमा मजबूत होना चाहिए, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा नहीं होना चाहिए। अगर पूर्णिमा का चंद्र हो तो सबसे बढ़िया, पूर्णिमा के आसपास का अगर चंद्रमा है तो सबसे बढ़िया होता है, तो वो बहुत सुखदायक होता है, बहुत धनदायक होता है। और साथ में अगर उसके दशमेश बैठा हो चंद्रमा के साथ, अगर दशमेश युत है चंद्रमा के साथ, तो कार्य में सफलता मिलती है बहुत, क्योंकि उसके साथ दशमेश आ गया तो चंद्रमा की दशा में दशमेश से संबंधित भी फल मिलते हैं और कार्य में बहुत सफलता मिलती है, आपके प्रोफेशन में आपको बहुत सफलता मिलती है। चंद्रमा के साथ अगर नवमेश बैठा हो, भागी भागा स्वामी अगर बैठा हो, ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है या मित्र राशि में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में चंद्रमा के साथ अगर भाग्येश बैठा हुआ है, नवमेश बैठा हुआ है, तो भाग्य में वृद्धि होती है। और भाग्य जहां भी चीज जिस चीजों में भाग्य इन्वॉल्वमेंट होता है, आपको पूरी पूरी सफलता वहां पे मिलती है। अगर वो चतुर्थेश से युक्त हो, अगर चौथे भाव के स्वामी के साथ वहां पर चंद्रमा बैठा हो, ऐसी स्थिति में तो वाहन की प्राप्ति होती है, मकान की प्राप्ति होती है, घर का सुख प्राप्त होता है और कृषि उत्पाद की प्राप्ति होती है, शुभ समारोह के आयोजन होते हैं, तो ये सब आनंद आपको मिलेंगे। और चौथे भाव से जैसे हम लोग देखते हैं घर में गौ आदि पशुओं की वृद्धि, ये चौपाए भी हम लोग चौथे भाव से देखते हैं, तो गौ आदि और पशुओं की वृद्धि भी आदि फलों की प्राप्ति होती है। जहां तो नहीं, लेकिन अगर कोई आप गांव में रहते हैं या कहीं रहते हैं तो ऐसे केस में आपको अच्छा, मतलब पशुधन अच्छा मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा का जरूरी है कि वो केंद्र त्रिकोण में हो, लाभ भाव में हो, उच्च राशि में हो, स्वय राशि में हो, मित्र राशि में हो, तो फल अच्छा मिलता है। और जो भी ग्रह का स्वामी उसके साथ बैठेगा, जो भी ग्रह का स्वामी, जो भी घर का स्वामी उसके साथ बैठेगा, भाव का स्वामी, उसके फलों की वो वृद्धि कर देगा। चतुर्थेश के साथ है तो वाहन वगैरह दिलवाएगा आपको, मकान दिलवाएगा आपको, भाग्येश के साथ है तो भाग्य वृद्धि कर देगा, दशमेश के साथ है तो कार्य में सफलता दिलवा देगा। तो ये चंद्रमा का फल होता है अगर चंद्रमा इन राज इस तरीके से बैठा हो। इसके विपरीत चंद्रमा अगर मान लिया नीच राशि में हो, चंद्रमा नीच राशि में बैठा हो और केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में ना हो, और कृष्ण पक्ष का होने के कारण क्षीण भी हो जाए बाय चांस, कृष्ण पक्ष में नॉर्मली अष्टमी से अष्टमी का हम लोग लेते हैं, तो कृष्ण पक्ष का होने के कारण अगर वो क्षीण भी हो जाए, नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो और केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में ना हो, तो ऐसे चंद्र की महादशा में धन की हानि होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और
यदि चंद्र पाप ग्रह युत हो, चंद्रमा के साथ पाप ग्रह भी बैठ जाए, राहु केतु बैठ जाए, मंगल शनि बैठ जाए, तो उस केस में मानसिक व्यथा भी होती है, नौकरी में कष्ट भी होता है, धन हानि होती है, मात्र पक्ष से पीड़ा होती है। तो जरूर ये देखना भी जरूरी है कि यदि वही क्षीण चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए, 6, 8, 12 भाव में, जो कि अच्छे भाव नहीं है, जिनको कि त्रिक भाव बोला जाता है, 6, 8, 12 भाव में अगर चंद्रमा बैठ जाए तो मानसिक व्यथा होती है, धन एवं स्वास्थ्य की हानि होती है, माता से क्लेश होता है, आलस्य होता है, डिप्रेशन होने के चांस हो जाते हैं यदि चंद्रमा त्रिक भाव में स्थित हो। लेकिन बलि हो, अगर मान लिया त्रिक भाव में ही बैठा है, 6, 8, 12 भाव में ही बैठा है, लेकिन बलि है, बलि कैसे कि मान लिया अपनी ही राशि में बैठा हुआ है या उच्च राशि में बैठा हुआ है 6, 8, 12 भाव के अंदर, या उसको शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो उस केस में परिणाम जो होंगे वो मिश्रित हो जाएंगे, आपको कभी धन लाभ मिलेगा, कभी कष्ट मिलेगा, कभी सुख मिलेगा। इस तरीके से चंद्रमा की दशा को आपको याद रखना है। मंगल की महादशा के बारे में भी सेम यही है कि शुरू में जितने भी ग्रह हैं उनके लिए ये चीज तो ध्यान रखिए कि केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव, ये एक ऐसी जगह है जहां पर ये उपस्थित होते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, तो बहुत अच्छा होता है। तो मंगल महादशा के फल के बारे में ऋषि पाराशर कहते हैं कि मैं मंगल महादशा के शुभाशक फल आपकी बताता हूं कि अगर उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, अथवा तो मंगल अगर उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि में, या केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में हो, इवन द्वितीय भाव में भी अगर हो और पूर्ण बलि हो, तो मंगल की महादशा में जातक को धन, कृषि उत्पाद, शासक वर्ग से लाभ, मतलब जहां भी वो कंपनी में काम करते हैं या जैसे भी काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं, वहां से उनको लाभ मिलता है, उनका नेम फेम, मान सम्मान बढ़ता है, वाहन वस्त्र आभूषण आदि की प्राप्ति होती है, और विदेश में भी प्रवास होता है, तो सहोदरों का सुख मिलता है, क्योंकि मंगल छोटे भाई बहनों का कारक भी है, तो सहोदरों का सुख भी मिलता है। अगर मंगल अच्छी राशि में बैठा हो, मंगल उच्च राशि में हो या स्व राशि में हो या मूल त्रिकोण राशि में हो और अच्छे भाव में हो, केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में हो, तो ये फल भी इसके अंदर मिलते हैं। शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होती है, मंगल शत्रुओं से भी विजय प्राप्त करवाता है, तो ये सब चीजें इसके अंदर मंगल की महादशा में होंगी अगर मंगल वेल प्लेस्ड है, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव इवन सेकंड भाव में भी है और बलि है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है या शुभ ग्रहों से युत है, तो ये सारे फल आपको मंगल की महादशा में मिलेंगे। इसके विपरीत अगर मंगल 6, 8, 12 के लिए भी बोला गया है कि मंगल महादशा के अशुभ फल भी होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो कहता है कि नीचादि दृष्ट भावस्ते भौमे बल विवर्जिते पाप युक्ते पादृष्टे सा दशा नेष्ट दायिका। यानी मंगल यदि नीच राशि में हो, नीचाधि दृष्ट भावस्ते और किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, पाप ग्रह से युत हो, तो मंगल की महादशा फिर काफी बुरी साबित होती है। मंगल अगर 6, 8, 12 भाव में, मंगल का 6, 6 भाव में इतना बुरा नहीं माना जाता, मंगल के 6 भाव में जाने से मंगल के खुद के कार्यकर्तव तो बढ़ जाते हैं, मंगल तो स्ट्रांग महसूस करता है, लेकिन मंगल जिन भावों का स्वामी होता है उन भावों की जरूर हानि होती है। ये ध्यान रखिए कि जो पाप ग्रह हैं अगर वो 6 भाव में जाएंगे तो 6 भाव में जाने में पाप ग्रह में एक एनर्जी आ जाती है, वो आपको रोग से लड़ने की क्षमता देंगे, शत्रुओं से लड़ने की क्षमता देंगे, सब कुछ करेंगे 6 भाव में जाएंगे तो। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि वो ऐसे भावेश, ऐसे ग्रह तो उनको बल मिलता है, लेकिन ऐसे भावेश उनको प्रॉब्लम होती है, तो जिन भावों के वो स्वामी है उन भावों के परिणाम में जरूर कमी हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि मंगल अगर नीच राशि में हो, पाप भाव में हो, बलहीन हो, पाप ग्रह से युत हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो मंगल की महादशा काफी बुरी साबित होती है और अशुभ फल प्रदान करती है। तो ये थे चंद्रमा की और मंगल की महादशा के फल। आगे मैं आपको बुध और इस तरह से राहु के इनके सबके फल पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और इसे कंप्लीट करते जाएंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।